Myself, Dr. Saira, Zulfiqar. Today we will discuss the SEQ guidelines for biochemistry. The topic we will discuss is carbohydrates. So first of all, is the table of specifications. That's 4 MCQs and 1 SEQ. The books things in my topic will be SEQ and से चैप्टर 3 जो है वो आपने कंप्लीट कवर करना है. सत्य में चैप्टर 2 है कार्बोहाइड्रेट्स रिलेटेड. इसमें टेबल्स दिए हैं 2 जो आपने फर्स्ट कवर करनी है. दैट्स टेबल ऑन पेज नंबर 11, टेबल 2.2 इज रिलेटेड टू मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. ये मैसेज में ऐसे तो आ जाता है कि इनमें से 2 या 3 सैकेराइड्स के नाम भी होते हैं, डाइसैकेराइड्स के नाम भी होते हैं. देयर बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ये आपको बताने होते हैं. फिर नेक्स्ट है रिपोर्ट टेबल, दैट इज टेबल 2.3 पेज नंबर 25. तो इसमें जो है वो ग्लूकोज, ग्लाइकोज, अमाइनो ग्लाइकेन्स एंड गैप्स इससे रिलेटेड की टेबल है. तो ये टेबल आपने कंप्लीट याद करना है और इसलिए प्रैक्टिस भी करनी है. हाँ, इसमें से MCQ से आता है और SEQ पे. जैसे कॉम्पोजिशन है ना, मैंने इसके केमिकल नेम्स सुने, इससे रिलेटेड MCQs आता है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन से. यानी ये फुल टेबल जो है इसमें से, यानी वो 3 कोई नेम दे देते हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्वर्टिंग सल्फेटर, हेपरिन, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन बताए. तो अपने टेबल के फॉर्म में ये SEQ अटेम्प्ट करना होता है. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हार्पर से चैप्टर 14 है, कार्बोहाइड्रेट्स रिलेटेड. यहाँ से आपने जो है वो 3 टेबल्स करने हैं. टेबल 14.2 दैट इज पेंटोजेस रिलेटेड, टेबल 14.3 एक्सोसिस से रिलेटेड है, और टेबल 14.4 जो कि डाइसैकेराइड्स और इनके सोर्सेस से रिलेटेड है. ये टेबल्स आपने यानी कि बुक से इस तरह कवर कर लेने हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पास पेपर एसेंशियल्स की तरफ. तो उसमें केमिस्ट्री और सुक्रोज एंड लैक्टोज, यानी ये जो दो हैं इनका आपको केमिकल नेम प्लस इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए, प्लस लैक्टोज एंड टॉलरेंस एंड ट्रीटमेंट. ये आपको एक सिनेरियो के तौर पर आता है, तो आपने डायग्नोस करना होता है कि इसको क्या डिसीज है. तो दैट्स लैक्टोज इंटॉलरेंस. इसके बाद, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉलेजेस में भी और UHS में भी ऐसे भी पूछा जाता है, प्लस कई दफ़ा उस भी होती है, उसके स्टेशन में भी आ जाता है कि व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो आपने इसको डिफाइन करना. फिर नेक्स्ट जो है गैग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद फंक्शंस, जो सत्या के उस टेबल में कवर हो रही थी, टेबल 2.3 में. ये डिस्क्राइब ग्लाइकोप्रोटीन्स. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन इन बॉडी. तो ये तीन जो है इनको ज़्यादा डिफाइन किया हुआ है. ग्लाइकोजन सेलुलोज स्टार्च, तो इनका स्ट्रक्चर और इनके केमिकल फॉर्मूला और इनकी इम्पोर्टेंस ये आपको आनी चाहिए. प्लस इन्यूलिन जो है, इन्यूलिन की बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस पूछी जाती है, तो ये आपको आनी चाहिए. डिफाइन होमोपोलीसेकेराइड्स एंड हेटरोपोलीसेकेराइड्स. ये आपको एक डिफरेंस के तौर पर, दैट डिफरेंस बिटवीन होमोपोलीसेकेराइड्स एंड हेटरोपोलीसेकेराइड्स, ये ऐसे क्यों आता है, तो ये आपको डिफरेंस आना चाहिए. प्लस आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स, दैट इज SEQ, वाइवा एंड MCQs. तीनों लिहाज से इसकी इम्पोर्टेंस है, आइसोमेरिज्म की और इसके टाइप्स की, और इसके एग्जाम्पल्स को आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए. नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड्स विद देयर रोल ये आपको बताना चाहिए, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज
कॉज जो है बेसिकली एक प्लांट ऑफ रूल जो है ये भी आपको स्टॉक में ही मिल जाएगा, इनके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोडक्ट्स जो कि केमिकल रिएक्शंस के टॉपिक में आई थिंक गिवन है, वहाँ से ये कवर कर लेना है। तो ये स्टॉक में ऐसे जो आता है राइट ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूकोज। इसके अलावा एक और यूके पूछा जाता है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। तो ये जो है आपने डिफरेंस ये बुक से टॉपिक पढ़ के तो आपने इसको एक टेबल की फॉर्म में अपनी बुक पे पेस्ट कर लेना है ताकि 12th में आपको इजीली जब आप वो टेबल देखें तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें अगर क्वेश्चन आए तो। डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। इसके साथ ही हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की गाइडलाइन कम्प्लीट होती है। जज़ाकअल्लाह खैरन। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी है, कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो इट विल बी प्रोडक्टिव एंड हेल्पफुल फॉर यू। अल्लाह हाफ़िज़।